नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। लापते बच्चे का सिर मिला, पुलिस हिरासत में आरोपी। घटने का पुलिस ने क्या खुलासा? बहराइच के थाना मटेरा अंतर्गत मझौली में लापता लड़के का वेद प्रकाश उर्फ बब्बू पुत्र रिंकू का सिर मिला। आरोपियों गांव के ही निकले, आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। घटने का खुलासा प्रभारी निरीक्षक थाना मटेरा चौथी राम यादव ने किया। दो दिन पहले ही आरोपियों ने घटने को अंजाम दिया था। आरोपी गांव के ही निकले, सुबह 7 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था लड़का। घर से ही रास्ते से हुआ था लापता। फिर पुलिस SOG टीम की घटना का खुलासे में लग गई थी और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी। जल्द ही आरोपियों से पूछताछ कर जेल भेजा जाएगा। हमारे संवाददाता सिराजुद्दीन खान के साथ लड्डन खा की खास रिपोर्ट। हादसा हुआ है, कैसे क्या हुआ? हादसा, बच्चा गया था ट्यूशन पढ़ने और रास्ते में जो है एक बिल्डिंग वाली की दुकान है और उसी लोगों ने उसे पकड़ कर उसको जो है किडनैप किए। उसके बाद थाना मल्लीपुर और गिरन चौकी गिरन के बस का सौ मिला। ये पहले से कोई मतलब रंजिश था या बात विवाद थी? नहीं, एक बगल वाले से थोड़ा ज़मीनी विवाद था, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते हैं कि उसी ने कराया, लेकिन मुझे हम उसको ना भी नहीं करते कि उसने नहीं किया है। तो हमें लग रहा है कि किसी ने पैसे देकर ऐसा काम कराया है। आपको जानकारी पूरी नहीं किस बारे में? पूरी जानकारी नहीं 100%, लेकिन हम कुछ ना कुछ वादे के साथ कह सकते हैं कि किसी ने पैसा दे के उसको उसका मर्डर कराया है। कितने रुपये का हुआ था ये बात जी? आपसे फिरौती मांगी गई थी क्या? नहीं, फिरौती तो उसका मर्डर होने के बाद मांगा गया। कितना डिमांड था? डिमांड 30 लाख।